आज जो यहाँ पे हम गांव बल्लो के अंदर एकत्र हुए हैं, हमें यहाँ पे जो ये पीसी करनी पड़ रही है, आप हमारे से ज्यादा बेहतर जानते हो कि हमारे एक नौजवान शुभकर्ण सिंह किस तरीके से सरकार के जुर्म का मुकाबला उनके अपने सब्र से करता हुआ अपने प्राणों की आहुति देकर गया है। आज पूरा देश उनके इस वक्त जो समय उनके ऊपर आया है, एक एक आंख नम है। बहुत अत्यंत दुखदायी माहौल में हम सब हैं। हम ज्यादा बोलने की कोई, लेर साहब ने पूरी बात रख दी है, हमारा इतना ही है कि ये जो शुभकर्ण था ये ठीक है, माँ ने जन्म दिया था इसकी ने, लेकिन ये अब केवल अपनी माँ का लाल नहीं रहा, ये पूरे देश के कमेरे लोगों का लाल बन चुका है। पूरे देश का ऐसा शहीद हो निबड़ा है कि हमने देखा जाए, आप भी सबको पता है इस बात का, कि मेरा ख्याल है हमारी जिंदगी में तो पहली बार हुआ होगा कि किसानों के आंदोलन के दबाव के कारण सरकार को इसे शहीद का दर्जा देना पड़ा। दूसरी बात, आंदोलन का प्रेशर, आंदोलन का दबाव भी सरकार के ऊपर जैसे पड़ रहा है कि पिछले दिनों गन्ने का भाव बढ़ाना पड़ा सरकार को, और वो भी ऑफ सीजन में आकर, कभी नहीं इस टाइम में कभी नहीं बढ़ता। और हरियाणा के अंदर किसानों के कर्ज का जो ब्याज माफ करने का उन्होंने ऐलान किया, तो ये शुभकर्ण जैसे बहादुरों की इस दृढ़ता का रिजल्ट है जो निकल रहा है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतनी बात ही कहूंगा कि अब देखिए, देशवासियों को मेरा आवाहन है कि आप लोगों का एक उलांबा था कि पंजाब के लोग आंदोलन करते करते जब 3 कानून उनके सस्पेंड हो गए थे, वो वापस चले गए, जब रद्द हो गए तो वापस चले गए। आज आप सबको वही आंदोलन फिर से खड़ा कर कर दिया है, और शहादत दिया हमारे एक नौजवान ने। बहुत बड़ा काम किया है। पूरे देश की यह जिम्मेदारी बनती है कि पूरा देश इस आंदोलन में पहले से भी ज्यादा ताकत से इस मैदान में उतरे, ताकि जैसी ये सरकार है ऐसी सरकार को सबक सिखाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से सरकार पेश आ रही है, हमारे युवा प्रितपाल सिंह को देखना हो तो देखे कैसे तरीके से वो वहां से अगवा कर कर लेकर गए हैं, उनकी टांगे तोड़ी गई हैं, उनकी बाहें तोड़ी गई हैं, उनका सिर पाड़ा गया, उनकी कमर तोड़ दी गई, और बोरी के अंदर उसको बंद करके लेकर ऐसे लेकर लेकर गए हैं जैसे किसी जीव को ना, किसी वस्तु को लेकर गए हों। और मैं हमारी माननीय हाई कोर्ट से भी इस बात की अपील करता हूं कि इनके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट को मैंने पहले भी, हमने लिखकर भेजा है, दोबारा फिर से आज ये कह रहा हूं कि सरकार जिस तरीके से बर्बरता से हमारे लोगों के साथ पेश आ रही है, तो उनके खिलाफ जिन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं को जन्म दिया, हमारे ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, हमारे एक युवा को उठाकर लेकर गए हैं, एक इतने से काम नहीं चलेगा कि हम ये कह दें कि देखिए शुभकर्ण के मामले में तो FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज करना अभी, दूसरी FIR दर्ज करना बाकी है, जो हमारे नौजवान प्रितपाल को उठाकर लेकर गए हैं। और ये हमारी मांग है सरकार से कि उनके ऊपर भी मुकदमा, अगवा किए का मतलब मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सब हमारी बातें हैं लोग, लेकिन फिर मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा शहीद शुभकर्ण, वो केवल हमारा नहीं रहा, एक जमात का नहीं रहा, वो पूरे देश का, किसान परिवार का, कमेरा परिवारों का वो शहीद बन चुका है। जब 3 तारीख को उनका अंतिम अरदास की जाएगी यहीं बल्लो गांव के अनाज मंडी के अंदर, तो मैं निवेदन करूंगा सभी संगठनों को, सभी भाइयों को, एक एक व्यक्ति को अपना फर्ज समझते हुए उनकी अंतिम अरदास में आकर शामिल हों, ताकि अरदास की एक बड़ी ताकत हुआ करती है। अरदास विनती से व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति की आत्मा को वो योग स्थान वाहिगुरु जरूर बख्शता है।
और हमारा सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अरदास में भी शामिल हो और उस दिन वहां से वो प्रण लें कि हम इस आंदोलन को, इस लड़ाई को, जिसको शुभकरण जी शुरू कर कर गए हैं, इसको अंतिम चरण तक लेकर जाएंगे और जीत कर रहेंगे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सवाल किसान को लेकर किसकी डिमांड कर रहे हो, किसके खिलाफ? देखिए, मैंने ये कहा है कि जैसे पहले उनको उठाकर लेकर गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की हमारी मांग है और वो हम मांग कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे उस युवा को उठाकर लेकर जाया गया। 3 मार्च भोग पैना भी सवाल बाद चला। 3 मार्च भोग पैना, सारे पंजाब सदा वो जरूर बल्लो की दाना मंडी च पहुंचे।